नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्मी तैयारी डॉट इन में। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर सबसे बड़ी खुशखबरी के बारे में। जैसा कि आपको कल हमने इन्फॉर्मेशन दे ही दिया था कि इंडियन आर्मी की जो रैली है उसका ऑफिशियल यहाँ पर नोटिफिकेशन जो है न्यूज़पेपर में भी आना शुरू हो चुका है और बहुत ही जल्द आपकी जो रैली है वो अप्रैल मई महीने में शुरू होने वाली है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको वो तो दिखाऊँगा ही, वो बताऊँगा ही, इसके अलावा यहाँ पर कौन कौन से और ऐसे राज्य हैं जहाँ पर आर्मी की जो भर्ती है वो अप्रैल महीने के बाद शुरू हो सकती है वो भी मैं आपको यहाँ पर आज बताने वाला हूँ। इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरा शुरू से अंत तक देखना ताकि आपको आने वाला जितनी भी भर्ती है वो पता चल सके जो कि अगले 2-3 महीनों के अंदर में होने वाला है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बगल में एक छोटी घंटी होगी उसे जरूर दबाएं ताकि आपको यहाँ पर जो है कह सकते हैं आर्मी हो या डिफेंस जॉब हो उससे रिलेटेड हर एक जानकारी अपने मोबाइल पर मिलते रहे। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए तो बात करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर जो पहली खुशखबरी, जैसा कि आपने देखा ही होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही दिखाया भी था, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है एक कह सकते हैं पेपर कटिंग वायरल है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी वीडियोज़ भी इस पर बन चुकी है और बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो है नागौर की एक भर्ती है जिसका यहाँ पर जो है इस बार हरी झंडी से मिल गई है। 2 से लेकर के 29 मई के बीच में यहाँ पर ये भर्ती होने वाली है, सेना भर्ती रैली है। जो भी बच्चे यहाँ पर कह सकते तैयारी कर रहे थे उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि अगर एक राज्य में भी ओपन भर्ती होना शुरू होता है तो धीरे धीरे करके जितने भी बाकी दूसरे राज्य हैं वो भी यहाँ पर परमिशन देने लगेंगे और बाकी जो राज्य में बचा हुआ है यहाँ पर सेना भर्ती होना, क्योंकि 2 साल से भर्ती तो हो ही नहीं रही ओपन वाली, तो यहाँ पर वो सारे भर्तियाँ खुलने लगेगी। और जिनको जिनको जहाँ पर पहले चांस बनेगा, जो जो यहाँ पर जल्दी जल्दी पोस्टपोन्ड हुई है लास्ट टाइम, उसको भी जल्दी जल्दी यहां पर कराया जाएगा। वो मैं आपको स्टेट का नाम बताऊंगा, उससे पहले यहां पर इस इंफॉर्मेशन को देखते हैं। तो यहाँ पर नागौर यहाँ पर कह सकते हैं राजस्थान में है, तो राजस्थान की भर्ती है। यहाँ पर जोधपुर एआरओ के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं भर्ती है। ये भर्ती वैसे 2021 के अंदर ही होनी थी 4 से लेकर 24 अक्टूबर के बीच में, लेकिन कोरोना में कारण इसे जो है स्थगित कर दिया गया था, पोस्टपोन कर दिया गया था। लेकिन अभी यहाँ पर जो है कलेक्टर, जो वहाँ के लोकल कह सकते कलेक्टर होते हैं, जो जिनका परमिशन ज़रूरी होता है किसी भी रैली को करने के लिए, तो उन्होंने यहाँ पर हरी झंडी इस बार दे दी है। और अगर कलेक्टर से परमिशन मिल चुका है तो इसका मतलब साफ है कि आपकी रैली इस बार 100% होने वाली है। और अगर यहाँ पर राजस्थान में मई के महीने में हो रही है तो यहाँ पर जो बाकी जो राज्य यहाँ पर जिसमें भर्ती होनी बाकी थी, जैसे कि उत्तर प्रदेश, जहाँ पर इलेक्शन ख़त्म होने के कुछ महीने 1 महीने के बाद ही आपकी रैली होना तय है लगभग, तो वो भी हमको लगता है कि अप्रैल और मई के महीने में आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो है हमारा राजस्थान में तो भर्ती होगा ही होगा, इसके अलावे जो हमारा बिहार है, बिहार और झारखंड, इन दोनों राज्यों का भी भर्ती जो है वो बहुत दिनों से स्थगित है और इनका भी जो है चांसेस बन रहा है कि मई के महीने में या फिर अप्रैल के महीने के अंदर आपको इन राज्यों का भर्ती भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ और भी कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे कि उड़ीसा हो गया हमारा, गुजरात हो गया हमारा, तो इन सब में भी जो है भर्ती आपको जल्द ही देखने को मिल सकती है, अप्रैल मई जून के अंदर ही आपको देखने को मिलने वाली है। तो इसके अलावा बाकी जो राज्य हैं उनका अभी कहना फिक्स नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है और जहां तक जो यहां पर नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है, न्यूज़ मिल रहा है, उसके अनुसार जिस भी राज्य का मैंने नाम लिया उन सारे जो राज्य के बच्चे हैं वो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, बीच में कभी भी छोड़े नहीं, क्योंकि एक मौका मिलने वाला है यहाँ पर और ये एक मौका काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अभी आप चूक गए तो फिर भर्ती में एज भी चला जाता है और कोरोना बार बार हर साल आ रहा है तो उसमें भी दिक्कत आती है। इसलिए आप प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें और लगातार प्रैक्टिस करते रहें और कोई भी अपडेट आता है इंडियन आर्मी से रिलेटेड सबसे पहले हमारे चैनल पर सही और सटीक मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।